आज हम ऐसे दोराहे पर खड़े हैं भारत में, जहां हमारी निर्भरता रासायनिक खाद के ऊपर बढ़ती जा रही है और रासायनिक खाद की उपलब्धता भी कम होती जा रही है और कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी लागत बढ़ती जा रही है। अब इस लागत को कम करने का एक उपाय उपलब्ध है और उसके ऊपर हमको थोड़ा सा भरोसा करके अपने थोड़े से क्षेत्र में इसको ट्राई करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आप 10 के 10 एकड़ में जाइडेक्स के उत्पाद प्रयोग करें या आप 10 के 10 एकड़ में जैविक खेती करें, लेकिन आज हम शुरुआत करें, चाहे वो एक बीघे से करें, चाहे हम वो एक गुंठे से करें, चाहे हम वो एक एकड़ से करें, जैसी भी जिस किसान की क्षमता है, मेरा हमेशा ये कहना है कि और कुछ नहीं तो कम से कम अपने खाने के लिए शुरुआत करें। और अगर वहां पे हमारी पैदावार बनी रहती है, अगर वहां पे मेरा लाभ उतना ही मिलता है जितना मुझे रासायनिक खाद से मिल रहा है, तो फिर हमको धीरे धीरे ये प्रयास करना चाहिए कि हम रासायनिक खाद से अपने आप को दूर करें और हम जैविक खेती की तरफ चलें। और जैविक खेती एक वैज्ञानिक खेती है। जैविक खेती भारत के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भारत में जो पूरे साल में मौसम रहता है, ये जैविक खेती के लिए सबसे उपयुक्त है दुनिया में। तो अगर हम इसका फायदा नहीं उठा पाए तो फिर हमें लाभ क्या है भारत में रहने का। तो मैं तो भारत के किसानों से यही कहूंगा, आज शुरुआत करें, आज पहल करें, थोड़े से क्षेत्र में करके देखें। जैसे ही आप, और जब अगर इसका लाभ आपको मिलता है, अगर आप इसका फायदा उठा पा रहे हैं, तो फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाएं, जिससे कि हम अपनी निर्भरता रासायनिक खेती से और बीमारी पैदावार करने वाले जीवाणुओं से और रसायनों से अपने आप को हम दूर कर सकें, आने वाली पीढ़ी को हम स्वस्थ कर सकें।